Now the next question, laboratory method of preparation of ethylamine. Ethylamine को laboratory में prepare करना है, तो इसको अपन Hoffman bromamide neem reaction से prepare कर सकते हैं। इस reaction में propanamide की reaction आपको bromine से करवानी है, और किसकी presence में? Caustic potash की presence में। जो ये reaction है normally चार steps में होगी। सबसे पहले ये आपका जो है C2H5CONH2, कितने कार्बन है इसमें? तीन, ठीक है। इसमें आपके हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर? थ्री कार्बन्स। सो इट्स नेम इज प्रोपेनामाइड, इट रिएक्ट विद ब्रोमीन। एक हाइड्रोजन Br से कंबाइन हो गया, HBr रिमूव हो गया, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा जहाँ पे Br जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस, यहाँ से Br के साथ कंबाइन HBr और NHBr। अब ये जो HBr है ये KOH से कंबाइन होगा, कास्टिक जो सोल्यूशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो KOH से कंबाइन होगा, तो H2O रिमूव हो जाएगा और KBr जो है वो रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? C2H5CONHBr की रिएक्शन आपकी किससे होगी? जो आपका KOH है, KOH के आप चार मॉलिक्यूल्स लेते हैं Hoffman bromamide रिएक्शन में। तो देखो अभी इसको अपन कैसे ओवरऑल करते हैं, तो यहाँ पे KBr रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, ये H और ये OH, H2O रिमूव हो जाएगा, K के साथ Br, KBr रिमूव हो गया, तो C2H5NCO जो है वो एज इट इज़ है। अब इस C2H5NCO की रिएक्शन यदि 2KOH मॉलिक्यूल से कराओगे तो C2H5NH2 बनेगा, K2CO3 रिमूव हो जाएगा। जब इस रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन करोगे तो कैसे होगा? C2H5CONH2, ये रहा, ये Br2, ये KOH 1 और 3, टोटल टू वन टू और टू फोर, तो टोटल कितने KOH हो गए? 4। ये HBr इस HBr से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ठीक है। अब राइट में आप देखो तो C2H5NH2, K2CO3 एक, KBr और KBr, 2KBr, H2O और H2O, 2H2O, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ये रिएक्शन हो जाएगी, और आपको पता है यही नेम रिएक्शन है Hoffman bromamide रिएक्शन, पर ये चार स्टेप में होगी इसलिए आपको चारों स्टेप लिखना कंपलसरी, ओके। इसकी प्रोसीजर, इन अ राउंड बॉटम डिस्टिलेशन फ्लास्क इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ ब्रोमीन एंड प्रोपेनामाइड इज टेकन एंड 10% KOH सोल्यूशन इज एडेड इन इट। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है आपको, उसमें आपको प्रोपेनामाइड लेना है और 10% आपको उसमें क्या लेना है? KOH सोल्यूशन, और साथ में ब्रोमीन लेना है, दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। और 50% KOH को आप ऐड करोगे जो कि एक्सेस में रहेगा। फ्लास्क को आप वाटर बाथ पे रखोगे, हीट करोगे, टेम्परेचर 57 से 67 तक का आपको मेंटेन करना है, ठीक है। व्हेन द सोल्यूशन बिकम कलरलेस इथाइलामीन स्टार्ट टू बी डिस्टील्ड व्हिच इज एब्जॉर्ब इन डाइल्यूट HCl। जब जो सोल्यूशन है कलरलेस होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इथाइलामीन जो है वो डिस्टील होना स्टार्ट हो गया है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो इथाइलामीन की, तो ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी ऑर्डर अमोनिया की जैसी होती है। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल होता है। इट इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ही कंबस्टिबल होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 19 डिग्री सेल्सियस होता है। अब डायग्राम में देख लो, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें आपने क्या लिया है? प्रोपेनामाइड, उसके साथ ब्रोमीन, उसके साथ KOH, ये वाटर बाथ है, वाटर बाथ, फिर ये बर्नर से आपने अटैच कर दिया, ये दोनों स्टैंड लगा दिए। यहाँ पे आप ऊपर फनल से क्या डाल रहे हो? KOH सोल्यूशन डाल रहे हो, और इथाइलामीन जो है वो यहाँ पे नीचे डिस्टील हो जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या, डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl के साथ जो है वो आपने यहाँ पे लास्ट पर लाइन पढ़ी होगी, व्हेन द सोल्यूशन बिकम कलरलेस इथाइलामीन स्टार्ट टू बी डिस्टील। जब सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा तो इथाइलामीन डिस्टील होना स्टार्ट होगा, जो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? डाइल्यूट HCl पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलामीन। एनिलीन जो है वो लेस बेसिक क्यों है इथाइलामीन के कंपैरिजन में? तो एनिलीन लेस बेसिक है इथाइलामीन या साइक्लोहेक्साइलामीन के कंपैरिजन में, क्यों? क्योंकि बेंजीन के केस में क्या होता है? रेजोनेंस होता है। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज अट्रैक्ट towards the nucleus and get delocalized in the ring। नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होते हैं वो रिंग पे क्या हो जाते हैं? डीलोकलाइज हो जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। दस द इलेक्ट्रॉन पेयर इज लिबरेटेड विद डिफिकल्टी, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डिफिकल्टी के साथ लिबरेट होगा। किस में? एनिलीन में। किसके कंपैरिजन में? इथाइल या साइक्लोहेक्साइल एमीन के कंपैरिजन में। इसीलिए जो बेसिक प्रॉपर्टी होगी एनिलीन की वो कम होगी एज कंपेयर टू इथाइल और साइक्लोहेक्साइल एमीन। अब यहाँ पे आप इसका रेजोनेंस समझ लो,
देखो यहाँ पे ये अपन ने एनिलीन लिखा है, सी सिक्स एच फाइव एन एच टू बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने एन एच टू लगाया। नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर होता है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस, प्लस पे कार्बन डेफिशिएंट है तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि नाइट्रोजन इज़ द डोनर एंड कार्बन एटम ये वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करेगा। अब चार्ज एक छोड़ के मीन्स ये वाला पोजीशन छोड़ के नीचे आ जाएगा और बॉन्ड पीछे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद चार्ज ये वाली पोजीशन छोड़ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये रहा ऊपर आ गया और ऊपर वाला प्लस एज इट इज़ है। अब वापस क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा कि ऊपर आ जाए माइनस और यहाँ पे आ जाए प्लस, फिर प्लस माइनस मिलके वापस क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है और उसके साथ इसके क्या है, रेजोनेंस। इन्हीं रेजोनेंस के कारण ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रिंग पे डीलोकलाइज हो रहा है और डीलोकलाइज होने के कारण इसका बेसिक कैरेक्टर जो है एनिलीन का वो लेस होता है किसके कंपेरिजन में, इथाइल एमीन के कंपेरिजन में, ओके। अब नेक्स्ट आपका है डिफरेंस बिटवीन इथाइल एमीन और एनिलीन। इथाइल एमीन और एनिलीन में आप क्या डिफरेंस बता सकते हो, तो इथाइल एमीन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H5NH2 और एनिलीन का हो जाएगा C6H5NH2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सॉलिबिलिटी। अब देखो इथाइल एमीन जो है वो एलिफेटिक है तो ये वाटर में सॉलिबल होगा, ये एरोमेटिक होने के कारण वाटर में इनसॉल्युबल होगा। उसके बाद जब अपन इथाइल एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में HCl से कराएंगे तो यहाँ एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपको पता है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब ऑर्डर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो इसमें ऑर्डर जो है वो अमोनिया लाइक होगी और इसमें नॉट लाइक अमोनिया। बेसिसिटी के पॉइंट्स पे बताऊँ तो ये हो जाएगा मोर बेसिक और ये है लेस बेसिक, ठीक है। सो दिस आर द सम पॉइंट्स बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट इथाइल एमीन एंड एनिलीन।